नोएडा में कार चालकों से लिफ्ट लेने के बाद उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर मोटी उगाही करने के आरोप में पकड़े गए सभी आरोपियों सहित चार पुलिस कर्मियों को आज मेरठ एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों और चार पुलिस कर्मियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये नोएडा की पुलिस ने आज हमारी कोर्ट में मुलजिम 15 मुलजिम पेश किए, जिसमें दो महिला, एक इंस्पेक्टर और तीन कांस्टेबल। ये नोएडा में एक सेक्स रैकेट चल रहा था और ये जो शरीफ लोग जो गाड़ी में जाते थे तो ये महिला उनको लिफ्ट के बहाने रोकती थी और उनसे लिफ्ट लेके और किसी पुलिस चौकी की तरफ ले जाने के लिए कहती थी। फिर वहाँ कहती थी कि वहाँ शोर मचा देती थी कि यहाँ मेरे साथ इसने बलात्कार किया है, और वहाँ पे जो है वो लोग इकट्ठा ये हो जाते थे जो पूरा गिरोह था, और वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते थे और वो ये कहते थे कि हम तुम्हें बलात्कार के मुकदमे में जेल भेज देंगे वरना, और हमें जो है हमें 1,00,000 रुपये दो। तो इस डर की वजह से वो उससे इन्होंने 50,000 रुपये लिए और इनको पुलिस ने मौके पर पकड़ा है और ये एंटी करप्शन से आज जेल गए हैं। ये तो इनको कल की घटना है, ये कल जो घटना हुई थी तो कल की घटना है, इनको मौके पे पकड़ा गया है। इसमें जो एक पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं SI सुनील कुमार, उनके साथ तीन कांस्टेबल हैं और बाकी दो महिला हैं, और बाकी वो लोग हैं जो पुलिस से लेन देन की बात करते थे। ऐसे शरीफ लोगों को बलात्कार के मुकदमे में झूठे मुकदमे फंसाकर पैसे लेने का काम करते थे। तो पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है कि लोगों को ठगने का? नहीं, पुलिस ने जो तरीका नहीं निकाला, जो भ्रष्टाचार ही पुलिस वाले हैं उन्हीं को पकड़ा है, और जो है ये पुलिस ने एक बहुत अच्छी कामयाबी दी है की है, और इसमें जो पब्लिक को एक बहुत अच्छा जो है मैसेज जाएगा। अभी इन लोगों ने नहीं बताया क्योंकि विवेक